हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा टॉपिक है गुलाब। गुलाब से ज़्यादा नई ग्रोथ कैसे प्राप्त करें, इनसे बेसल सूट्स कैसे निकालें, साथ ही साथ उसका परफेक्ट टाइम क्या है, कब निकलती हैं ये, और इसके लिए परफेक्ट फर्टिलाइज़र कौन सी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले आप मेरे प्लांट्स देखिए, ये मेरा रोज़ का प्लांट है, आप खुद ही इसमें फ्लावरिंग देख सकते हैं, और देखिए कितना बड़ा बड़ा सा फ्लावर निकला हुआ है। और जो कुछ और मेरे प्लांट्स देखिए जो ग्रोथ पर हैं, ये देखिए एक प्लांट ये है, और देखिए सभी पूरा पूरा प्लांट पर नई ग्रोथ आपको दिख रही होगी। और ये बेसल सूट्स निकली है, काफ़ी बड़ी हो गई है, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, सभी सॉफ्ट पत्तियां हैं। और ये वही प्लांट्स हैं जिन पर बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही थी, कोई पूरी सर्दी निकल गई, एक भी फ्लावर नहीं आया। तो मैंने ऐसा क्या किया, तो जो मैं आज बताने वाली हूँ उसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप तीनों पार्ट्स पूरी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके गुलाब में फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे गुलाब में ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। आपको पूरा अच्छे से समझना है मैं जो कहना चाहती हूं, आशा करती हूं आपको समझ में आएगा। पहले ये प्लांट देखिए, और मेरे दो तीन प्लांट्स थे जिन पर बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मैंने उस पर ये चीज़ें अप्लाई करी। एक ये देखिए, ये प्लांट है, इस पर भी देखिए नई ग्रोथ दिख रही है, और सभी मेरे पुराने प्लांट हैं, लगभग 3-4 साल पुराने पौधे होंगे। तो सबसे पहले मैं ये समझ लीजिए कि बेसल सूट्स होती क्या हैं, उनसे क्या फ़ायदा है प्लांट्स को। तो आप देख रहे हैं ये सब जो प्लांट जो फ्लावर देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये जो फ्लावर है ये मेरे बेसल सूट्स से ही निकला हुआ है। बेसल सूट्स मतलब जो बिल्कुल जो बेस से निकला हुआ जो ब्रांच होती है उसको बेसल सूट्स कहते हैं। बिल्कुल बेस मतलब कि जहाँ से ग्राफ्टिंग पोर्शन हो वहाँ से जो ब्रांच निकलती है उसको बेसल सूट्स कहते हैं। उसमें जो फ्लावर निकलते हैं वो बिग साइज़ के होते हैं। अब देखिए निकला ये भी फ्लावर है, लेकिन ये बीस से ये बिल्कुल बेस से निकली हुई ब्रांच है, और इसका साइज़ देखिए अभी ये पूरी तरह से नहीं खिला है, जब ये खिलेगा तो पूरी मेरी हथेली भर लेता है। और ये जो फ्लावर है ये बेस से नहीं बिल्कुल निकली है, ये यहाँ से ब्रांच निकली है, और ये जो ब्रांच है ये बिल्कुल बेस से निकली है। तो इसमें देखिए 4 फ्लावर आपको खुद ही दिख रहे होंगे, 3 तो खिले हैं और एक लगी है। तो इसमें देखिए कितना अच्छा फ्लावर निकला, और ये जो ब्रांच है ये भी बेस से ही निकली हुई है, और इस पर भी जो फ्लावर निकला है काफ़ी बिग साइज़ का है। तो बेसल सूट से पौधा घना होता है, मजबूत होता है। अब जानते हैं कि ये बेसल सूट्स निकलती कब हैं, तो इसके लिए सबसे पहली जो बात है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर। ये किस टेम्परेचर में बेसल सूट्स अधिक निकलती हैं, तो जब ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, जैसे कि उधर नवंबर दिसंबर में और इधर फरवरी और मार्च में। जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब इसमें बेसल सूट्स आपको नहीं नज़र आएंगे। जब जैसे अनुकूल टेम्परेचर होता है इसमें बेसल सूट्स अच्छी मात्रा में निकलती हैं। फिर फरवरी आ चुकी है, अब इनके निकलने का परफेक्ट टाइम है, इसलिए इनकी आप केयर करना स्टार्ट कर दें, अच्छे से फर्टिलाइज़र दें, ट्रिमिंग करते रहें, बहुत ही जल्दी इसमें नई बेसल सूट्स आपको नज़र आएगी। फिर दूसरा नंबर आता है इनकी रूट्स का। रूट्स अगर अच्छे से इनकी ग्रोथ करती है तभी नई आपको बेसल सूट्स नज़र आएंगी, नई ग्रोथ आपको नज़र आएगी। कभी कभी होता ऐसा है कि नीचे रूट्स ही अच्छे से ग्रोथ नहीं करती, जड़ों में फंगस लग जाती है, नीमाटोड नाम की एक प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है, या कई और तरह के कीड़े वगैरह लग जाते हैं जिसके कारण इनकी जड़ों का विकास नहीं हो पाता। तो फंगस वगैरह तो
लगातार मिट्टी गीली रहने के कारण लग जाती है। जब पानी सूखता नहीं है और पानी डाल दिया जाता है मिट्टी में, इस जिसके कारण फंगस लग जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का आप इलाज करें। जड़ों का अच्छे से विकास करें, जड़ों के विकास पर ध्यान दें। अगर इनकी जड़ों का विकास अच्छे से हो रहा है तभी ऊपर आपको ग्रोथ दिखाई देगा। कभी कभी ये सब प्रॉब्लम नहीं भी होती हैं तब भी आप देखेंगे, खुरपी लगा के देखेंगे कि आपके प्लांट की जो है रूट बाउंड हो चुकी होती है। तो रूट को मिट्टी ही नहीं मिलती, फर्टिलाइज़र ही नहीं मिलती सर्वाइव करने के लिए, जिसके कारण उनका ऊपर विकास नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ों का नंबर पर आता है इनके फर्टिलाइज़र का। अब फर्टिलाइज़र ऐसा देना है जिससे इनकी जड़ों का अच्छे से विकास हो सके, जड़ों का विकास होगा जिसके कारण नई नई शूट्स निकलेंगी, बेसल शूट्स निकलेंगी, नई ऊपर ग्रोथ होगी। तो इसमें कई तरह के फर्टिलाइज़र हैं, दो जो आपको बाज़ार से लाना है और एक जो मैं घर में आपको बताऊंगी। तीनों ही बहुत ही अच्छी हैं खासकर रूट्स के की ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले नंबर पर आप दे सकते हैं सीवीड। सीवीड बहुत ही इफ़ेक्टिव है रोज़ के लिए। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरोन, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि गुलाब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। महीने में एक बार आपको देना है जिससे ये फूलों के का साइज़ बढ़ेगा, नई जो जड़ों का अच्छे से विकास होगा। फिर जो दूसरे नंबर पर आपको देना है वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड भी आपको महीने में एक ही बार देना है। अगर आपके पास लिक्विड है, मेरे पास लिक्विड है, तो मैं उसको पानी में घोल के, जैसे फंगीसाइड मैं महीने में एक बार देती हूँ, तो फंगीसाइड और ह्यूमिक एसिड दोनों को मिक्स करके पानी में मैं सभी अपने रोज़ के प्लांट्स को देती हूँ, जिसके कारण जो जड़ों में किसी भी तरह की कोई फंगस का इशू भी नहीं आता है और अच्छे से इनके प्लांट्स की ग्रोथ भी होती है। तो ये आप दे सकते हैं। फिर जो तीसरे नंबर पर जो आपको घर में बनाना है वो है, उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है, तो उसके लिए लेना है आपको नीम की पत्तियाँ। आप देख रहे होंगे मैंने कितनी नीम की पत्तियाँ ली हैं, इतने ही आपको लेना है। और फिर जो दूसरे नंबर पर लेना है एलोवेरा। एलोवेरा के गुण से सभी वाकिफ़ हैं, इनके गुण को बताना ही बेकार है, बहुत ही लाभकारी होता है और ख़ासकर जड़ों के विकास के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। फिर जो तीसरे नंबर पर लेना है जो लहसुन के छिलके होते हैं, इसमें पाया जाता है सल्फर। तो अगर कुछ रूट्स में प्रॉब्लम होती है तो उसको ये ठीक करता है। तीनों ही चीज़ें पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और तीनों चीज़ों को हम अच्छे से पहले हम खौला लेंगे इसको और फिर एक और चीज़ इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये खोल रहा है, खूब अच्छे से एक दो उबाल आ जाएं, फिर हम इसकी गैस बंद कर देंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे इसको। ये देखिए ये अच्छे से खोल चुका है, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो चुका है। अब हम इसको किसी स्ट्रेनर से छान लेंगे। तो ये देखिए ये जो छन्नी होती है कुछ ऐसे ही जो डलिया जो टाइप की होती है उसी से हम छानेंगे, जिसके कारण इसका मोटा मोटा पोर्शन बाहर निकल जाएगा। तो ये मैंने छान लिया और ये जो निकलेगा जो ऊपर का वेस्ट है इसको भी नहीं फेंकना है। मिट्टी के नीचे आप किसी भी गमले में की मिट्टी के नीचे आप दबा सकते हैं, ये भी बहुत ही लाभकारी है। तो हम इसको छान लेंगे और फिर जो पानी है, ये जो पानी निकला हुआ है, इस पानी में आपको आधी चम्मच हल्दी डालनी है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। ये ध्यान रहे कि पानी अच्छे से ठंडा हो चुका हो तभी आपको हल्दी मिलाना है। हल्दी मिलाने के बाद इसको जितना पानी ये हो उतना ही पानी आपको डाइल्यूट करके आप अपने प्लांट में दे दीजिए। बहुत ही अच्छा काम करता है, अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। किसी भी तरह की अगर कोई प्लांट में प्रॉब्लम है, जड़ों में कोई फंगस वगैरह लग गई है तो वो भी सही होगी। बना के इसको आप रख भी सकते हैं, दो तीन महीने तक आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। ज़रूर बनाइए, अपने प्लांट्स को ज़रूर दीजिए। तो ये सब टिप्स अपनाइए, आपके को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।